तकब्बुर की, ये तकब्बुर का लिबास के साथ वाकई बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी बिल्कुल गहरा ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। देखें आज 1400 साल के बाद हम एक लेटेस्ट और तरक्की याफ्ता मुआशरे में हैं, बिल्कुल, मगर इसके बावजूद मैं जो आपने बात की कि तकब्बुर और लिबास, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला इन्होंने आका अलैहिस्सलाम से फरवायत करते हैं कि मैंने खुद सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके सीने में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा, बिल्कुल सही कहा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। अब देखें आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तकब्बुर होगा, अब तकब्बुर की कई सूरतें हो सकती थी। अब सहाबी आगे से क्या कहते हैं, एक सहाबी बैठे हैं वो कहते हैं यार सुल्ला मेरे पास माल है और मैं अच्छा लिबास पहनता हूँ, खूबसूरत लिबास पहनता हूँ। अब देखिए कैसी अजीब बात है कि उसने कोई और बात नहीं की, लिबास की बात, तकब्बुर के बाद तकब्बुर के बाद में उसने लिबास की बात की, उसने कहा कि मैं अच्छा लिबास पहनता हूँ, खूबसूरत लिबास पहनता हूँ, मैं मालदार हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, यानी तकब्बुर का ताल्लुक दिल से है, कपड़ों से नहीं, कपड़ों से नहीं, कपड़ों से नहीं, बल्कि आपने इशारा फरमा दिया कि अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। माना क्या था कि और अच्छे पहना करो, अल्लाह ने माल दिया है तुम्हें, तो ये एक दरमियानी राह आ जाती है कि आप जितना हसीन चाहे लिबास पहने, कीमती पहने, मगर आपके दिल में तकब्बुर ना आए। शेख अब्दुल कादर जिलानी थे आने, तो ये लोग जिन्हें गौसुल आजम भी कहते हैं, पीराने पीर भी कहते हैं, बहुत बड़ी वलायत के बादशाह थे। तो कोई शख्स इनकी ज्यारत के लिए आया, अब वो गुजर रहा था एक खत्तात कहते हैं उस दर्जी के पास, डिजाइनर के पास से गुजर रहा था, सॉरी। तो आपका शुक्रिया, चलिए। तो वो बड़ी अच्छी डिजाइनिंग कर रहा था, किसी ने मुझे कहा कि आप ब्रांडेड दर्जी हैं। किसी हद तक लोग कहते हैं डिजाइनर्स को। जी जी। तो वो आपकी तरह बड़ा अच्छा डिजाइनर था और उस वक्त का यूं समझ लें कि वो हामी सईद था, ठीक हो गया, समझ लें बहुत बादशाह लोगों का इस लिबास वो सीता था ना। क्या बात। अब उसके पास से वो जो जियारत के लिए आया ना उनको, उनके उस वो गुजरा तो इतना हसीन और कीमती लिबास और बड़ी तजय्युन के साथ सिया जा रहा था। अच्छा, आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर कोई रुक के देख के पूछे यार ये किसका है, क्या तो फिर उसका हुसन क्या होगा लिबास का। वो रुका, उसने पूछा ये लिबास किसका है। अब उसके जहन में था कि वक्त के बादशाह का होगा, उसने कहा जी वो शेख अब्दुल कादर जिलानी का। उसने कहा वो इतने बड़े वली और ये ऐसा लिबास, मैं तो समझा किसी शाह का होगा, बादशाह का होगा। वो आपके पास आ गया, उसने ज़ियारत की, बैठ गया। अब जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ना वलायत का, आप यकीन जाने वलायत का कपड़ों से दूर का भी वास्ता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं, जाहिर से दूर का भी वलायत का वास्ता नहीं। वलायत जुब्बो कुब्बो का नाम नहीं है, वलायत एक पेंट कोट के अंदर भी हो सकती है। क्या बात है, ये वहां भी हो सकती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। वलायत का मरकज सिर्फ ये कल्ब होता है। क्या बात है। अब वो चला गया, उसने कहा जी मैंने तो सुना था पीरों के पीर हैं और बड़े अल्लाह के वली हैं और ये हैं और वो लिबास, बादशाह भी ऐसा लिबास नहीं पहनते होंगे। अब देखें लिबास और दिल का हाल देखें। आपने कहा जाओ जरा उस लिबास को दोबारा चेक करो जाके। अच्छा, वो आया वापिस, उसने कहा उस डिजाइनर से कहा भी मुझे जरा लिबास दिखाएं। उसने लिबास दिखाया तो उस लिबास के अंदर कीमती कपड़ा था, एक जगह पर ये बोरिया नहीं होता था, उसका पैबंद लगा हुआ था, वो लगा हुआ था। वो आगे से कहने लगा वो इतना खूबसूरत कपड़ा इतनी तजय्युन के साथ बना रहे, ये दरमियान में लगा के तुमने क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। उसने कहा जी मैंने शेख अब्दुल कादर जिलानी से कहा कि कपड़ा कम हो गया, उन्होंने कहा यही लगा दो। क्या बात, क्या बात है, यानी तजय्युन और लिबास इसकी ममानत नहीं है, ममानत है कि आप पहन के दूसरों के ऊपर अपना रूप ना डालें। क्या बात है। मैं ऐसी से जी जी प्लीज प्लीज हदीस है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लिबास के बारे में कि एक बंदा आता है जो आपने पहले भी बात की तो उसी तरह की बात है कि वो आता है और वो बहुत गरीब लगता है, बहुत ही मतलब मैले कुचैले कपड़े पहने हुआ है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं कि
तुम्हारी माली हालत कैसी है, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत नर्म दिल के थे ना, उन्होंने सोचा ये इतनी गरीब पतली हालत में है तो इसको लाजमी बात है को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी। तो वो कहता है मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरे पास तो बड़े बागात हैं, मेरे पास तो बड़ी बकरियाँ हैं, मेरे पास तो अशरफियों के ढेर हैं। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है, तुम वैसे लगते क्यों नहीं हो। तो सर उमदा लिबास जो है उसमें आया रीश का वर्ड यूज है, आप तो अरबी जानते हैं, रीश का मतलब है परिंदों के पर, तो इसका मतलब वो कितने खूबसूरत होते हैं। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि लिबास पहनो, अच्छा लिबास उम्दा लिबास पहनो, तो उम्दा में वो सारी तारीफ आ जाती है। तो मैंने कहा तकब्बुर को हमने छोड़ना। अच्छा अब ये सारी बात आ जाती है कि एक प्रिंसिपल क्या है लिबास पहनने का, मैं थोड़ा आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि आई एम श्योर के जो हमारे ऑडियंस है वो ये सुनना मांगते हैं कि हमें ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए। तो इसमें ड्रेसिंग में पांच चीजें हैं जिनका आपने ख्याल करना है, अगर वो पांच चीजों का ख्याल रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हमेशा अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले ये है कि पहला है कलर, कि कौन सा कलर पहनना है। अच्छा अब देखिए ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को, आती है लोग पूछते हैं मेरे को कलर कौन सा अच्छा लगता है, बिल्कुल। तो उसमें साइंस क्या है, अल्लाह ताला की हिकमत क्या है। देखिए अल्लाह ताला ने तो इतने कलर्स बनाए हैं, क्या बात। अच्छा कई सब शायद आपने तो बाहर देखा नहीं है इंटरनेशनली ट्रेवल करके, मैं तो वहाँ ज्यादा वक्त मेरा न्यूयॉर्क में गुजरा है, तो वहाँ पे हर रंग का आदमी है, वहाँ पे व्हाइट्स हैं, वहाँ पे ब्लैक्स हैं, और हिस्पैनिक्स हैं, फिर हमारे जैसे एशियंस हैं, फिर जैपनीज हैं, फिर चाइनीज हैं। अच्छा जो गोरा है, जिसकी गोरी स्किन है, अल्लाह ताला ने क्रिएट की है ना, अल्लाह ताला ने ये सारी स्किन कलर क्यों क्रिएट किए हैं, क्योंकि अल्लाह की हिकमत है हर चीज़ में। बिल्कुल। तो जो कलर उनके ऊपर अच्छे लगते हैं, जिसके ब्लॉन्ड हेयर हैं, ग्रीन आइड हैं, ब्लू आइड हैं, तो वो हमारे ऊपर नहीं अच्छे लगते। बिल्कुल। वो अफ्रीकन जो वो चमकदार काले होते हैं उनके ऊपर अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि हमने अपनी कलरेशन को देखना है कि हमारी कलर पे कौन से कपड़े सूट करते हैं, क्या ठीक है। तो ये पहला है। अब हमारी कलरेशन में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी कलरेशन में कौन से कलर अच्छे लगते हैं, कौन से कलर नहीं अच्छे लगते। मेरे पास एक, क्योंकि क्लाइंट्स भी आते हैं, लोग मुझसे कपड़े भी बनवाते हैं, एडवाइस भी लेते हैं, तो एक साहब आए तो उन्होंने कहा इससे पहले कि आप मुझे कुछ बताएं, ये एक पिक्चर है, जरा इसे देखें, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। अच्छा, वो पिक्चर मैंने देखी तो मैंने कहा ये तो गोरा है, तो आप मुझे क्या दिखा रहे हैं। कहते ये कपड़े मेरे ऊपर कैसे ऐसे लगेंगे, मैंने कहा ये तो गोरा है, गोरे के ऊपर अच्छे लग रहे हैं, आप गोरे हैं। जी मैं तो गोरा नहीं हूँ। तो उसके बाद वो एक और पिक्चर निकालता है, मुझे कहता है ये पिक्चर देखें, तो वो पिक्चर डमी के ऊपर थी, तो मैंने कहा ये तो डमी के ऊपर, आप डमी हैं। कहते मैं तो डमी नहीं हूं। तो बेसिकली ये है कि जो हमारा आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन है, उसके मुताबिक कपड़े हमारे पे सूट करने चाहिए। अच्छा उसका टेस्ट क्या है, मैं टेस्ट बताता हूं। जब आप अच्छा कलर पहनते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है, ठीक है, आपका कलर आपकी स्किन पे आता है, एकदम से ग्लो करती, ग्लो जैसे चमकती है जी। और उसके अगर अपोजिट करते हैं तो वो डाई कर जाती है, पूरी डेड हो जाती है आपकी स्किन, या आप ज्यादा इसके खवातीन जो हैं वो ज्यादा इस बात का अंदाजा है, इसके साथ साथ कारी साथ आईज जो है ना वो ज्यादा वाइब्रेंट हो जाती है, आईज में चमक आ जाती है। उसके बाद आपको कलर एनर्जी देता है, ये कभी आपने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल। अगर जब ब्राइट कलर पहनते हैं आपके जिस्म के अंदर जो है ना एक समझ लें कि वो केमिकल रिएक्शन समझ लें, बिल्कुल। मैं आपको एक ऐड करना चाहूंगी, कलर थेरेपी भी होती है लोगों को एनर्जी देने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, ये थेरेपी कलर से की जाती है। अच्छा अब देखें कि अब अगर एक बंदा है उसने जो है, अक्सर हमें देखा है सुना है कि कई दफा कहते हैं आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज बड़ी अच्छी लग रही है, होता क्या उस वक्त, एक्चुअली उसने अपने राइट कलर्स पहने हुए, तो उसकी वजह से आपकी आईज वाइब्रेंट लगती हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है। तो जब आप कपड़ा खरीदें, कोई भी कपड़ा, आप मर्द औरत डजंट मैटर, आप उसकी स्किन टोन के पास रख के देखें कि कैसा लग रहा है। दो रंग हैं तो ऐसे करके देख लें, एक रंग इधर रख लें, एक रंग इधर रख लें, देखें कि क्या करता है। तो आपकी जो कलर आपके पास परफेक्ट जो आएगा वो आपको वो एनर्जी देगा और वो आपके ऊपर अच्छा लगेगा, वो कलर आपने लेना है। तो ये इसमें कलर की साइंस है। दूसरी बात है, लोग उससे पूछते हैं फैशन क्या चल रहा है, मुझे कौन से स्टाइल पहनने चाहिए, ये अक्सर दूसरा क्वेश्चन होता है लेडीज का, मैन का मेरे पास आते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आपको अपडेटेड लगना चाहिए, आपको ये नहीं कि डायनासोर एज का स्टाइल पहने आप, तो आप तो पुराने ही लगेंगे ना। जैसे आप कई साहब आज आप बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, आज की लाइफ में क्या हो रहा है, आज की दुनिया में क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ आर्ट बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, तो आप लगे ऐसे जैसे आपने कोई 40 साल पुराना लिबास पहना हुआ है, तो वो आई थिंक बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, आपने वो वेस्टकोट पहनी है, बहुत पुराने स्टाइल की पहनी है। तो उसमें यह है कि फैशन को आपने थोड़ा सा फॉलो जरूर करना है, लेकिन जो ड्राइविंग फैक्टर है वो फैशन नहीं है, वो आपकी बॉडी टाइप है, ठीक हो गया, कि आप हेल्दी हैं, मोटे हैं, आप पतले हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, तो ये दूसरी चीज है।
क्योंकि जो मोटे आदमी के ऊपर कपड़े अच्छे लगेंगे वो पतले के ऊपर नहीं अच्छे लगेंगे, जो पतले पे लगेंगे वो मोटे पे नहीं लगेंगे। मैं अक्सर बात करता हूँ कि जो मोटे हज़रात होते हैं जरा हैवी होते हैं अगर वो टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो वो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर टमी है तो टमी और ज्यादा बाहर नजर आ जाती है, हिप्स हैं वो और ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी फॉरगिविंग फिटिंग में, तो फिटिंग है एक्चुअली जो ना वो ड्राइविंग फैक्टर। ये दूसरा पॉइंट है, चाहे कोई स्किनी भी है तो मना करते इतनी फिटिंग मत पहनिए। अच्छा बाइक